नमस्ते बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा का पहला अध्याय ए मातृभूमि, इस पर हम आज अभ्यास करेंगे। तो तुम अगर बुक आपके पास अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो तुम जो वीडियो पे व्हाट्सएप वीडियो पे जो हम अभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें जरा अच्छी तरह ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। ओके, देखिए मातृभूमि, भगवती चरण वर्मा ने इस कविता के लेखक हैं। तो इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता के परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। छात्रों, स्टूडेंट, अब देखिए हर एक इंसान अपना जो भी एम है, अपना जो भी काम है, वो पढ़ाई के जरिए से हासिल कर सकता है। उसका जरिया, मूल जरिया जो है, मूल मार्ग जो है, वो है एजुकेशन। उसी तरह कभी भी देश प्रेम और देश के लिए त्याग, अपना सब कुछ छोड़ बलिदान किए हुए अनेक महापुरुषों के बारे में अगर हम आज के बच्चों को नहीं समझाएंगे तो कल किसी को भी नहीं पता चलेगा। जब हम छोटे थे तब हमें एक देश के बारे में, देश के प्रेम के बारे में, देश के लिए कितने लोग अपना बलिदान किए हैं, अपना सब कुछ छोड़े हैं, पीछे हम भी स्टूडेंट थे। जब हम पढ़ाई करके ही अब हमें तुम्हें सिखा रहे हैं, तुम्हें बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम भी कई कवियों के जरिए ही देश प्रेम के बारे में, देश के बारे में और महान वीरों के बारे में सीखा है। तो तुम्हें भी हम सिखाना बहुत अच्छी, हमें खुशी मिलती है। इसलिए बच्चे, तुम ये जानना जरूरी है कि जिस तरह घर परिवार हमें बहुत अवश्य है, उसी तरह देश भी हमारा एक परिवार है। देश की रक्षा भी एक हमारी ही रक्षा है। अगर हम सिर्फ अपना घर, अपने बच्चे, यही हम सोचते रहेंगे तो कल एक दिन देश में आने वाले मुसीबत, वो कल हमारे घर में भी आके गुजर जाएगा, है ना। इसलिए देश रक्षक है वहाँ, यानी कि सैनिक देश के बाउंड्री पे, जो ये है एरिया जो है देश के किनारे, हर एक किनारे के जरिए से सैनिक इसका रक्षक करते हैं 24 घंटे। तभी जाके हम जो अंदर हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी महान व्यक्ति हैं, कुछ भी एक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हम अंदर से हैं, हम अभी सेफ हैं बोले तो, यहाँ सैनिक अपना घर बार, अपना परिवार, अंदर का सब कुछ, अपना खुशी छोड़ के यहाँ पे आके खड़े हैं। रात दिन, धूप बारिश कुछ भी हो, अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। तब जाके हम अंदर अपना काम सही से करते हुए अच्छी तरह खुशी खुशी जिंदगी हम बिता रहे हैं, है ना। उसी तरह 200 बरस तक, यानी कि 150 साल के पीछे 200 बरस तक इस मातृभूमि को ब्रिटिशों ने बंदी कर लिया था, यानी कि अपने ताबे में कर लिया था, जो वो हमें एक गुलाम की तरह देखते थे, एक गुलाम की तरह और एक हिंसा की तरह हमें चित्रहिंस करते थे। तब इस देश में जन्म लिए हुए महान वीरों ने क्या किया है, उन्हें भगाया है। तब जाके हम अब हम कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हम हासिल करने में हमें कोई रोक नहीं है। अब हम आजाद हैं, तब नहीं थे। जो भी हम करें, जो भी हम लें, जो भी हम
अपना निर्धार करे वो ब्रिटिशों के जरिए से। कई कई बार हमें बड़े बड़े पोस्ट से भी दूर रखा करते थे, लेकिन अब उस तरह नहीं है। जब ब्रिटिश यहाँ से गए तब हम आजाद हुए, हम स्वतंत्रित हुए, हम अपने मन की आशा पूरा कर सकते हैं। तो इसका हमें धन्यवाद करना है उन महान पुरुषों से जो इस देश को आजाद किए, और हमें धन्यवाद करना है हर रोज जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं, वो है सैनिक, है ना। तो फिर देखिए बच्चों, इधर आइए, क्या है यही, इसी प्रकार कवि ने मातृभूमि के बारे में वर्णनित यहाँ इस पोयम में हम देखते हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभूमि के लिए शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। अमर हुए सैनिक, यहाँ देश के लिए जो भी इंसान मरता है वो मर के भी जीवित रहता है, यानी कि हर एक के दिलों में वो कायम रहता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, अमरित कहते हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, ऐ मेरी मातृभूम, तुझमें तेरी गोद में कई अमरों का शहीद है, कई महान पुरुषों का जन्म है, इसलिए तुम्हें शत शत बार प्रणाम करते हैं। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फूल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुत हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तुझमें क्या है, हरे भरे खेत सुहाने हैं, फल फूलों से भरी हुई उपवन है, तेरे अंदर भरा है फल फूल खनिजों का कितना व्यापक धन है। सोना चांदी लोहा सब तुझमें ही समा है, मुक्त हस्त तू बांट रही है, मुक्त फ्री, किसका क्या लेना नहीं देना है, मुक्त ही तो दे रही है। सुख संपत्ति धन धाम, चांदी सोना लोहा सभी क्या है, तू हमें मुफ्त में दे रही है, इसलिए मातृभूमि तुझे शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, एक हाथ में क्या है, न्याय का पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। जग का रूप बदल दे है माँ कोटि कोटि, हम आज साथ में गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम मातृभू शत शत बार तुझे प्रणाम। कितना अच्छा कवि ने यहाँ पे सुंदर भारत माता के बारे में सौंदर्य भरित यहाँ कविता लिखा है। देखिए, एक हाथ में न्याय पताका, दूसरी हाथ में ज्ञान दीप है, जग का रूप बदल रही है तू है माँ कोटि कोटि, हम आज साथ में गूंज उठे कि तेरे गोद में हम हैं, तेरे साथ हम हैं, हम आज साथ में गूंज उठे जय हिंद, अब सब हम सब मिलके जय हिंद, तेरे 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 तुझे जय 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 कर्ण का नाम तेरे लिए, सकल नगर और ग्राम मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। देखिए कितना सुंदर कवि, सुंदर कविता कवि कोनिनो भाव भगवती चरण वर्मा ने एक मातृभूमि के बारे में कितना सुंदर सौंदर्य भरित वर्णित किए हैं कि। तो फिर हम कल क्या करेंगे, कविता का आशय और जो कवि परिचय भगवती चरण वर्मा के बारे में, और थोड़ा कल अच्छी तरह इनकी जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, तुम्हें भी मातृ तृतीय भाषा है हिंदी है,
सब कुछ करने के बावजूद ही हमें आता है, तो इसलिए तुम हिंदी है बोल के अलक्ष्य नहीं करना है, सभी को ध्यान में देना है और अच्छी तरह स्टडी करना है, एग्जाम भी पास में है। ओके।